अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका रिजवान ब्लॉगर। कैसे हैं आप लोग? एक छोटा सा बेहतरीन जो है हेल्थ रिलेटेड जो है अपने को व्लॉग बना के डाल दे रहा हूँ। ओल्ड सिटी बारकस में अपने को जाने माने पहचाने हफीज़ मोहम्मद कुरैशी साहब जो है अपने को जॉइंटिस की दवा देते, तो बहुत सारे लोग आंध्रा तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु पूरा इंडिया वर्ल्ड वाइड से जो है अपने को लोग आते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने को। मॉर्निंग आवर्स में सिर्फ 5 o'clock to 7 o'clock तक ही रहते हैं। तो आप लोग भी अगर कोई जॉइंटिस के पेशेंट्स वगैरह है ले लेके आ सकते हैं, फास्ट ट्रीटमेंट रहता है इन लोगों के पास। चलिए व्लॉग में देखेंगे। आकल कदा मम्मी चल बतक अंदर मंचा उ चल बतक अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका रिजवान ब्लॉगर। आज एक छोटा सा सबके लिए काम में आने वाला ब्लॉग बना के डाल दे रहा हूँ अपने यूट्यूब के चैनल पे। अपने साथ है मोहम्मद हफीज साहब, आपका नाम बोलिए। महमूद कुरैशी। महमूद कुरैशी साहब, हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सलाम साहब, ये जॉइंटिस के लिए आप कितने सालों से जो है अपने को दवा दे रहे हैं हैदराबाद में? अब जी, हैदराबाद सिकंदराबाद में पूरे जो है अपने को इंडिया में फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से सुबह सुबह आ जाते हैं अपने पास यहाँ भाई के पास खिदमत के लिए। तो साहब ये कब से स्टार्ट करे और दोस्तों कब से दे रहे हैं आप, थोड़ा व्यूअर्स को बोलिए। साहब ये तकरीबन जो है 70 साल का अरसा हो गया जी। इससे कबल जो है मेरे फूफी जान साहबा देते थे, उनके वफात के बाद तकरीबन जो है एक सदी तक मेरे वालिद साहब मोहतरम मरहूम जो है हुसैन कुरैशी साहब जी माशाल्लाह का सिलसिला जारी रखे। उनके वफात पाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं 25 साल से ये जो है खिदमत अंजाम दे रहा हूँ माशाल्लाह। साहब ये अपने को जॉइंटिस क्या है, कई के लिए आता है, ये कैसा प्रॉब्लम कैसा रहता है? जी साहब, ये आमतौर पर जो है वाटर इन्फेक्शन और फूड पॉइजन की वजह से आता, चूँकि ज़्यादातर बाहर खाने का सिलसिला हो गया ना साहब, हर घर का मसला जो है बाहर खाने का हो गया। साफ़ और नजीब ग़ज़ाएँ घर में मिल सकती है, अपने ख़वातीन बनाकर दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन अब वो सिलसिला ज़्यादा नहीं रहा साहब, तकरीबन बाहर का हो गया। उसकी वजह से जो है फूड पॉइजन और बच्चे मुतासर हो रहे हैं, ख़ासकर नौजवान तबका जो है इस मर्ज में ज़्यादा मुतासर हो रहा है। ये किडनीस पे ज़्यादा इफेक्ट गिरता है, इसके लिए जो है अपने ये किडनीस पे होने के लिए जो है अपने को जॉइंटिस जो है अपने लीवर पे ज़्यादा इफेक्ट होने की वजह से, लीवर पे इन्फेक्शन होने की वजह से, फैटी लीवर होने की वजह से जो है जॉइंटिस जो है ना। साहब अपने पास जो मेडिसिन देते हैं आप, दवा देते हैं माशाल्लाह से, तो जॉइंटिस के अपने को स्टार्टिंग क्या स्टेज से आप दवा देते हैं? नहीं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा स्टेजेस वगैरह रहते हैं साहब? ये तेजी से बढ़ता साहब, ये 2 पॉइंट से स्टार्ट होकर जो है 20 पॉइंट 25 पॉइंट, अगर इस पर तवज्जो नहीं दी जाए तो ये बढ़ते जाता। इसको जो है तवज्जो देना चाहिए, पहले जो है सबसे पहले इसका टेस्ट करवाना चाहिए। LFT टेस्ट होता है, उसमें आपको परसेंटेज कितना है बता देता जॉइंटिस, वो हिसाब से हम 6 पॉइंट रहा तो 3 बार या 12 पॉइंट रहा तो 6 बार, इस तरीके से दवा देते हैं। तो अपने को जो है हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराते हुए आपके पास आना पड़ता नहीं, वहाँ पे यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है, इसका परहेज वगैरह कुछ रहता गया है ट्रीटमेंट? हम जिस दिन दवा दिए उस दिन एक दिन जो है फीका खाने के लिए बोलते सब जी, और खाना फीका खाने के लिए बोलते, दूसरे दिन इसका तवाजुन बरकरार रखने के लिए तहरी या बिरयानी के लिए, जैसा मरीज है उस हिसाब से हम लोग ऑयल फूड खाने के लिए भी बताते हैं उनको। जी, तो और एक साहब आपके खिदमत में और एक खिदमत है जो बच्चों के लिए, आप छोटे बच्चों मासूम बच्चों के लिए घरों पे जाके जो है अपने को जो है सौदा वगैरह, जैसे कि जो है किरानी सौदा वगैरह और जो है बहुत सारे चीज़ें पैसे वगैरह हेल्प करते जी। तो माशाल्लाह से हम लोग भाई के वीडियोस वगैरह भी देखे खिदमत के लिए। ये कब से स्टार्ट करें आप? जी साहब भूख का एहसास हुआ साहब ज़िंदगी में एक बार जी, भूख क्या चीज़ होती, वो एहसास हुआ साहब, वो किसी और के ऊपर वो वक्त नहीं गुजरना, उसके ऊपर वो वक्त नहीं बीतना, आगे वाले को भूख का एहसास नहीं होना, बोल के मैं सिलसिला शुरू करा। इंशाल्लाह तकरीबन ये 2-3 ईयर्स से कर रहे शायद अभी, या 5 ईयर्स हो गए। जी हाँ 5 ईयर्स हो गया तकरीबन। हम लोग मोहम्मद हमारे हफीज साहब जो है फेसबुक में वीडियोस देखते रहते हैं, हम लोग बहुत सारे बच्चों को जो माजूर है, जैसे कि जो है कोई भी उनके घरों में देखभाल करने वाला नहीं है, साहब खुद जाके गाड़ी में उनको जो है राशन पानी वगैरह दे के आते माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखा साहब में। और कुरान करीम में भी अल्लाह ताला जो है खाना खिलाने की बड़ी फजीलत फरमाई है। एक जगह फरमाया गया कि जो है जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा क्या किस वजह से तुम जहन्नम के गड़े में गिरे हो, तो वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन,
वलम न कुनु तईमुल मिस्किन, ना हम जो है नमाज पढ़ते थे ना मिस्किनों को खाना खिलाते थे। तो ये खाने का सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हमारे अकाबिर से अकाले सलात वसलाम जो है पहले जो है मेहमान के जो है खातिरगिरी करते थे, आप मेहमान को खिलाते थे, आप भूखे रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बहुत एक अरसे दराज से जो है हमारे अकाबिर बताए, हमारे जो है ना असलाफ बताए, ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। तो आप लोग भी जो है अपने तौर पे जहाँ तक हो सके गरीबों को, यतीमों को, यसीरों को अपने गले से लगाओ, मिस्किनों को खाना खिलाओ, इसकी बड़ी फजीलत है। इसकी वजह से आपके घर में खुशहाली आएगी, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपके घर में खैर व बरकत होगी। गरीबों को, मिस्किनों को, यतीमों को जो है खाना खिलाने का सिलसिला जारी रखो, उसके बाद देखेंगे आप इंशाल्लाह ताला आपका घर सब जो शादाब रहेगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन। साहब जी एक लास्ट क्वेश्चन है अपने को, साहब ये टाइमिंग क्या है अपनी यहाँ पे जो आप? सुबह 6 बजे से 11 बजे तक देता हूँ सब दवा। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जी, डेली एवरी डे जी। संडे ट्यूसडे ज्यादा रहता साहब, कोई अगर आ गया इमरजेंसी तो फिर उनको भी कभी कभी बना के दवा दे देता हूँ, वापस नहीं भेजता जी, ना उम्मीद हो के नहीं जाना बोल के दवा दे देता हूँ। शुक्रिया साहब, जज़ाकअल्लाह हमारे चैनल पे बोले। चलिए कल ही तो नहीं कहता कड़पुन पी लेते बोला चश्मा निकाल के जरा देख ले, माशाल्लाह बेहतर है ना बेटे, थोड़ा भूख लगी हो तो जी हाँ और एक बार ले लीजिए, खा लीजिए ऐसा करिए बेटे, ऊपर से भूख लग रही बेटे थोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह दवा लेके जाना है ना इस ऐसे तो अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए क्या सलाम। ऐसा करो बाबा नहीं लाइट का उन्हें लाइट का मिस्त्री है ना, कल इट ले जाना, ये रोज है ना नया ना 2 पॉइंट होने 2.1 पॉइंट होने। बच्चों के सरपरस्तों से एक जो है इल्तिमास है कि अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को, अपने मासूमों को जो है खाना फ्रेश खिलाइए, रात की सब्जी गर्म करके मत खिलाइए, जितनी ज़रूरत रही उतना ही बना के जो है ना अपने मासूमों को खिलाइए। उसकी वजह से शहर में बहुत जो है ना फूड पॉइजन हो रहा है, आज जो है ना कई मासूम बच्चे हॉस्पिटलाइज है। तो जहाँ तक हो सके साफ़ सुथरा नज़ीफ़ खाना खिलाइए और जो है बाहर के खानों से एहतियात करिए। एक अच्छे जो है ना सेहतमंद होने की एक ज़मानत है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग अच्छा खाना खिलाइए। बस एक गुजारिश है, इल्तिजा है आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। बाबा ఒక మాట చెప్తాను, అల్కహాల్ తాగొద్దు బాబా, కొంచెం డ్రింక్ తోటి ప్రాబ్లం వచ్చింది, అల్కహాల్ టచ్ చేయవద్దు, దేవుడు కదా చెప్పినే తాగొద్దు అని, వద్దు బాబా తాగొద్దు, ఇప్పుడు సిటీలో లివర్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ వస్తున్నాయి, అల్కహాల్ తోటి డ్రింక్ తాగొద్దు బేటా। ఖురాన్ మజీద్ మే అల్లా తాలా ఫర్మాయా బాబా, ఏక్ బతారూ మే ఆప్కో, అప్పుడు ఉండే తాగిన, ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా అంటే వలయా తఖరబు సలాత వంతుం సుకరా, అంటే మీరు డ్రింక్ తాగేప్పుడు మా దగ్గర రావద్దు, ప్రే చేయవద్దు, నమాజ్ చేయవద్దు పోవాలని చెప్పినాయి దేవుడు। అప్పుడు ఇంట్లో వచ్చిన సహాబా కిరామ్ వచ్చి, ఎంత పాత ఉండేవాళ్ళు, అంత మాల్దార్ ఉండే, అన్నీ పారేసింది, అన్నీ డ్రింక్ పారేసింది, తాగొద్దు బాబా, ఇప్పుడు డ్రింక్ తాగితే ప్రాబ్లం వస్తుంది, దీనేసి జో చాయ్ మస్కు జారే గాంధీ హాస్పిటల్ చోడి పహలే పీతే థే సబ్ థోడా అభి నా కాపీ బాబా, గుడ్ చలో ఉంటే బట్ పిలా पिलाओ, मैं वहाँ बिठा के पिला लो, रहने दो, रख दो अंदर, लो बैठो बैठो, मैं तुम बैठ जाओ, मैं बैठो दे दो इनका ओका गिलास साहब बताओ बाबा, इनका ना मंचे होने सलाम बाबा जी आइए, अल्लाह यशफीक अल्लाह यशफीक। ऐसा करिए बाबा जी, ऊपर करिए, चलो रात्रि की जल्दी पनकोले, हाँ रात्रि की जल्दी पनकोले, देवड़ रात्रि की वजालन लैला लिबासा वजालन नहारा महाशा, अंटे रात्रि की जल्दी पनकोले, पोद्दुगल पनी चेयाले, बिजनेस चेयाले, पोद्दुगल रात्रि की देवड़ पनकोडनिकी पेट्टिनाई, वजालन लैला लिबासा वजालन नहारा महाशा। మందు బందు తాగిన వాళ్ళు మాత్రం చెట్టు మందుకు రావద్దు ఇడికి అన్నమాట చెప్తున్నాడు ఆయన, అదే మందు తాగిరనుకో, మందు ఇయ్యడు తాగుడు బంద్ చేయాలి, మీరు మీ పాన మంచిగా ఉండాలంటే బాబా తీసుకు। తో గాయ్స్ ఏ థా ఎక్ ఛోటా సా వ్లాగ్ మహమూద్ ఖురైషి హఫీజ్ ఖురైషి సాహబ్ కా జాయింటిస్ కి జో హై అప్నే కు ట్రీట్మెంట్ హోతా హై యహాన్ పే ఓల్డ్ సిటీ బార్కస। तो दूर दराज से लोग आके यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट कराते,
जॉइंटिस का, तो माशाल्लाह से साहब के खिदमत भी बहुत अच्छे हैं और दोस्तों बहुत पब्लिक रहती। ट्यूसडे एंड संडे बहुत क्राउड रहता है यहाँ पे, तो आज शूट करके डाल दे रहा हूँ माशाल्लाह से। तो कभी आपके दोस्त अहबाब फैमिली में जॉइंटिस वगैरह हो गया तो जो है आप लाके यहाँ पे बता सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे है, फास्ट रिज़ल्ट रहता है यहाँ पे। तो 70 ईयर्स का जो है इन लोगों का नुस्खा है माशाल्लाह से। तो चलिए गाइस नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका तो गाइस ये था एक छोटा सा व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपका रिजवान व्लॉगर। तो यहाँ पे जो है जॉइंटिस की दवा मिलती है अपने को, मेडिसिन 70 ईयर से जो है मेडिसिन बना के दे रहे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका रिजवान व्लॉगर।